हेलो गाइस, वेलकम टू नहराज किचन। आज हम कच्ची हल्दी और हरी मिर्ची या एकदम चटपटा अचार बनाने वाले हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और कच्ची हल्दी हमें सर्दियों में ही मिलती है मार्केट में, और ये फ़ायदेमंद भी बहुत होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये दर्द के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए, इसको कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। तो अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो हल्दी और 200 ग्राम के आसपास हरी मिर्ची ली हैं, और हल्दी को मैंने धोकर छीलकर इस तरीके से कट कर लिया लंबी स्लाइस में। और अब ये हरी मिर्ची हैं तो इनको भी हम कट कर लेते हैं। मैंने पहले धोकर इनको सुखा लिया है और अब इनको कट कर लेते हैं। तो आप लंबी स्लाइस में या गोल किसी भी तरीके से इसको काट सकते हैं, तो मैं लंबी स्लाइस में इसको कट कर रही हूँ। सारी मिर्ची हम काट कर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल्दी को भी मैंने लंबी स्लाइस में ही कट किया है। आप चाहे तो दूसरी शेप में कट कर सकते हैं, या फिर ग्रेटर से इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा। तो मैंने हल्दी को कल ही काट कर रख लिया था, क्योंकि ये अचार मैं कल बनाने वाली थी लेकिन नहीं बना पाई। तो इससे इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है और बाकी ये ख़राब नहीं हुई है। तो चलिए, कल तो नहीं बनाया लेकिन आज बना लेते हैं। अभी हम अचार के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले के लिए मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून सौंफ ले रही हूँ, और 1 टेबलस्पून में यहाँ पे मेथी दाने लूँगी। तो मेथी की क्वांटिटी हमें कम रखनी है, क्योंकि मेथी अगर अचार में हम ज़्यादा डालेंगे तो इसमें कड़वापन आएगा, इसीलिए मेथी की क्वांटिटी कम ही रखनी है। और अब इसको हल्का सा हम रोस्ट कर लेते हैं। तो रोस्ट करने से इसके अंदर खुशबू भी अच्छी आती है, और इसके अंदर थोड़ा सा भी अगर मॉइस्चर होगा तो वो निकल जाएगा। ये देखिए, मसाला रोस्ट हो गया है। आप इनको बिना रोस्ट किए हुए भी डाल सकते हैं। ये ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तब तक हम दूसरे मसाले पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, जार के अंदर हम 2 टेबलस्पून डालते हैं पीली सरसों, और 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे राई दाने ले रही हूँ, और इनको हम दरदरा पीस लेंगे। तो इस चम्मच से मैंने यहाँ पे मेजरमेंट लिया है। तो लीजिए, हमने सरसों और इनको पीस लिया है। अब जो हमने मसाला रोस्ट किया था उसको भी दरदरा पीस लेते हैं। ये भी पीस कर तैयार हो गया है। यहाँ तक कि सारी तैयारी हमने कर ली है, तो चलिए अब अचार बनाने की तैयारी करते हैं। तो कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी है, और 1 कप के करीब मैं इसके अंदर सरसों का तेल डाल रही हूँ। तो अचार बनाने के लिए हमें सरसों का तेल ही यूज़ करना है, और 1 टीस्पून के जितनी मैंने कलौंजी डाली है, और 1 टीस्पून ही मैं यहाँ पे हींग ले रही हूँ। तो अचार के अंदर हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो हींग ज़रूर डालें। ये हल्के से रोस्ट हो गए हैं, अब इसके अंदर कटी हुई हल्दी डाल देते हैं, और अब इसको स्पैचुला से हम चला देते हैं। तो हल्दी का अचार डालना बहुत आसान है, और हल्दी हमारे शरीर के लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है वो तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि हल्दी हमारी बॉडी में कोई भी दर्द होता है, जैसे जोड़ों में दर्द है या फिर कोई घाव हो जाते हैं, वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं इसको यूज़ करने से। और यहाँ पे मैंने कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल दी है। तो आज मैं यहाँ पे अचार बना रही हूँ। आप चाहे तो इसकी सब्जी भी बनाकर खा सकते हैं, या फिर लड्डू बना सकते हैं। इनको कई तरीक़ों से खाया जा सकता है। अब दोनों को हम कुछ टाइम के लिए पकाएंगे, जैसे 1-2 मिनट के लिए पकाते हैं, उसके बाद ही इसके अंदर मसाला ऐड करते हैं। तो चलिए, 1-2 मिनट हो गई हैं, और अब जो हमने दरदरा पीस कर मसाला तैयार किया है वो डाल देते हैं। ये लीजिए, सारा मसाला हमने डाल दिया है। अब फिर से स्पैचुला से हम इनको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे कम ही रखना है। ये देखिए, बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है इसको, बस 5-10 मिनट के अंदर आप इसको तैयार कर सकते हैं। और अब इसके अंदर हम मसाले और डाल देते हैं। तो यहाँ पे 3 टेबलस्पून के आसपास मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है, और 4 से 5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे नमक लिया है, क्योंकि अचार के अंदर नमक थोड़ा ज़्यादा ही होता है। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन कम हो तो इसे स्टेज पे डालें ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएं। और एक बात मैं आपको पहले बताना भूल गई कि हल्दी को काटने के बाद में कुछ देर सुखा लें, ताकि उनका पानी सूख जाए, जिससे अचार ख़राब नहीं होगा। अब मसाला डालने के बाद में हम कुछ देर के लिए और पकाएंगे। ज़्यादा देर नहीं पकाना है, क्योंकि उससे मसाले जल जाएंगे, इसीलिए मैंने लाल मिर्ची थोड़ी देर से डाली है।
क्योंकि मिर्ची डालने के बाद में हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है। ये लीजिए, हरी मिर्ची और हल्दी का चटपटा अचार बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम नीचे उतार देते हैं और कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि गरम को हम किसी भी जार में नहीं डालेंगे। ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट अचार बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छी खुशबू इसके अंदर आ रही है। तो अचार ठंडा हो गया है, अब इसको हम चीनी मिट्टी के एक जार में डालेंगे। तो जार को मैंने पहले ही धोकर और एकदम से सुखा लिया है, गीले जार में बिल्कुल नहीं डालना है वरना अचार ख़राब हो जाएगा। और अब इसके अंदर हम डाल देते हैं। अगर इसके अंदर ऑयल और ज़्यादा डालने की ज़रूरत लगे तो आप एक दो दिन बाद में ऑयल को गर्म करके और उसको ठंडा करके उसके बाद में इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर ज़रूरत नहीं हो तो आप रहने दें, इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर डालना हो तो आप डाल सकते हैं। आप भी चटपटा अचार बनाइए। तब तक फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।